तो गाइस मेट्रो में से निकल के अब हम आए हैं रेस्टोर डोर रोसियो। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपका आसपास का व्यू, जहाँ पे किस्मत की तैयारी हो चुकी है, दिखाता हूँ आपको बैक। तो गाइस हम आ चुके हैं रोसियो की क्रिसमस मार्केट में, ठीक है, ये मेन गेट, और हम यहाँ से चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ की दुकानें। तो ये स्टार्टिंग में तो जैसे फोटोग्राफी के लिए 10,000 रुपये, और अब ये आ गया अपना सब खाने पीने का, जैसे छोटी छोटी जैसे जेम्सी गोली होती है उस टाइप से, छोटी कुकीज हैं। बाकी मेले में तो आप लोगों को पता ही है, ज़्यादातर लड़कियों का सामान होता है लाइक ज्वेलरी वगैरह और उनके लगते रहते हैं पर्स वगैरह का भी है। यहाँ पे स्पेशल फूड लाइक स्पेशल बेकरी पेस्ट्री वगैरह और इनका छोटा सा केक टाइप ठीक है ना। मुझे तो देखते हैं क्या है फिर अपना वही किस छोटी शाम की जैसे डायपोर्ट की भी है बनी हुई। मुझे इतना वही सोच रही होगी ये खाने पीने वालों के लिए, मतलब पीने वालों के लिए मेरी वाइन वगैरह भी है, उनके लिए भी है सामान। तो भी आ चुका है गर्ल्स का स्पेशल ज्वेलरी इयर रिंग वगैरह नेकलेस वगैरह ठीक है, ये भी गर्ल्स के लिए है। अब तो पता नहीं लड़कियों के लिए इतना सामान क्यों रखते हैं, लड़कों के लिए क्यों नहीं रखते, लड़के को वैल्यू नहीं है तो फिर से उनकी वैल्यू क्रीमें वगैरह उनकी सामान होगा पता यहाँ सब ठीक है टाइप। आसमान पर्स वगैरह उनके ठीक है आगे इधर क्या है। चलो लड़कों के लिए कुछ तो मिला जो तो सही है ना, मतलब इसमें लड़कियों के भी हैं ज़्यादा लेकिन जो पीछे कपड़े टाइम है वो लड़कियों के ही हैं, लड़कों के लिए सिर्फ जूते हैं। और ये सबसे ज्वेलरी और ये पता नहीं क्या है, इसमें नहीं पता क्या चाहिए क्या नहीं। हाँ ये ना गत्ते से जैसे अपने वहाँ गत्ते होते हैं ना कॉपियों के मोटे वाले, जो अपने वहाँ में भी अपने हाथी के गोबर के बनते हैं वो चीज़ वगैरह। हम तो पीते नहीं भाई। और ये क्या है, ये बताने क्या है, अच्छा डोगियों के, अच्छा जैसे डोगी हैं बाकी। फिर से ये फिर से आ चुका है अपना लड़कियों का सामान गर्ल्स का नेकलेस वगैरह इयर रिंग। और चलो और घूमते हैं, अभी एक साइड का हुआ है अब दूसरी साइड भी चलते हैं।
किया था उसकी लोकेशन। गाइस ये आसपास की लोकेशन है, रूसियों के आसपास, इसके चारों तरफ सड़क है। इस दी आंसर फिर आ चुका है खाने पीने का, चिकन वगैरह मिला के बर्गर खा रखे हैं और कोल्ड ड्रिंक, चलो कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हैं। ये घूम रहे हैं अपने नौ भाई, ये अपने काम घूम रहे हैं, अगर मेरे साथ ही आ गए अपनी वीडियो बनाने में मगन हो रखा हूँ, मुझे आप लोगों को दिखाना है ना। तो ये दूर जाएगा तो खाने पीने का है या फिर उसके लिए सामान है, अगर ये बिना बच्चों के वो मिल गया बस। चलो फिलहाल के लिए अपना इतना ही है, बाकी जो सामने देख रहे हो जो बिल्डिंग है ये है यहाँ का थिएटर, जिसके पास ही भाई वो काम करते हैं जो भी डाल रखी थी क्या थे चलो के काम देखो रहे। गाइस सारा घूम फिर के हम वापस वहीं आ चुके हैं उसके यहाँ पे जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। चलो अब चलते हैं अपना घर की तरफ, चलते हैं आपको घर पे देखते हैं क्या करना पड़ता है। तो गाइस हम रात चल जाते हुए ट्रेन टाइप है छोटे की, इसमें जैसे लोगों को ये जो मेला लग रहा है इसके चारों तरफ घूमना रहता है, जैसे रात में चारों तरफ घूमना रहता है इसमें सारे लोगों को जो खोलता है। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा ही है कि यहाँ पे क्रिसमस की जो तैयारी है अभी स्टार्ट हो चुकी है, क्रिसमस की जो मार्केट लग चुकी है और अभी से, तो अब आप लोगों ने देखी है यहाँ पे मतलब सब कुछ है खाने पीने के रिलेटेड, कुछ सामान कुछ लेना वगैरह के लिए सब कुछ है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपना घर की तरफ, तो अभी भी चल रहे हैं भाई, तो मिलते हैं आपको। नहीं तो कोई तब ना हमको जाते हुए रास्ते में ना बर्गर किंग लिख गया था तो बुक, तो हम रुक चुके हैं और बाय कर रहे हैं ऑर्डर बर्गर वगैरह, तो ये खाते हैं तो मिलते हैं आपको। तो गाइस आ चुका है, तो गाइस आ चुका है अपना ऑर्डर और हम खाते हैं इसको, खा के फिर निकलते हैं। तो गाइस हम ना थोड़ी पेट पूजा करके किंग बर्गर के अंदर जाके आ चुके हैं बाहर, अब इस टाइम हम मार्केट में, तो दिखाता हूँ आपको मेन बैक कैमरे से। Thank you.
तो भाई जिस टाइम आ चुके हैं अंदर अपना H&M में, हुमन्स मतलब हुमन मतलब यहाँ बोलते हैं मैन को। देखते हैं भाई क्या लेने आए हैं। तो गाइस H&M से भाई ने लिए हैं अंडरवियर, तो वो लेने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो मिलते हैं आपको अब सीधा घर पर पहुंचने के बाद, ठीक है। तो गाइस इस टाइम हम आए बैठ चुके हैं बीच में जाते हुए अपना एक रेस्टोरेंट है अपना इंडियन स्वागत के नाम से। हमने मंगवाई है फिलहाल लस्सी, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये है रेस्टोरेंट स्वागत अपना इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे जितने भी हैं सारे अपने इंडियन लगे हुए हैं अंदर भी और बाहर भी। बाकी टाइम थोड़ा रात हो चुकी है तो इसलिए रश भी कम है और ठंड के कारण भी लोग ऑलमोस्ट अंदर ही बैठे हैं। बाकी जितने भी मतलब अगर किसी को इंडियन कुछ भी खाना हो अपने पुर्तगाल में तो यहाँ पे आए, रोसियो में स्वागत नाम से रेस्टोरेंट है। वेजिटेरियन भी है नॉन वेज भी है, सब कुछ मिलेगा आपको, लस्सी वगैरह अपना वेज अपना स्वीट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो आओ यहाँ पे और जी खाओ अपना इंडियन टेस्ट, ठीक है, इंडियन टेस्ट ऑफ फूड स्वागत नाम से रेस्टोरेंट। तो हम तो पी रहे हैं लस्सी क्योंकि पीछे अभी आपने देखे थोड़ा बर्गर वगैरह खा के आए हैं और वो अपने घर पे जाके भी खाना थोड़ा बहुत अपना घर का देसी खाना क्योंकि घर पे भाई और नहीं है तो उन्होंने बना रखा होगा। तो अभी हम जाएंगे घर पे लस्सी रुस्सी पीने के बाद, आपकी लस्सी बहुत बढ़िया है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे और अपना घर की तरफ। बाकी किसी को भी अगर पुर्तगाल के बारे में अपना मतलब कुछ भी जानना हो आसपास की लोकेशन के बारे में, क्या से क्या मतलब क्या सस्ता है क्या महंगा है, अपना इंडियन का कुछ सामान कहाँ से मिल सकता है कहाँ से नहीं, जो कुछ भी जानो अपना मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी हो वो भी मुझे बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना। तो भाई खा पी के जैसे कि लस्सी पी और थोड़ा सा हमने टेस्ट किया, चलो गाजर पाक खा के देख लेते हैं। तो गाजर पाक ही मतलब अगर हम कहीं भी जाएं अलग अलग अगर हम अपने इंडिया में हैं तो वो ही टेस्ट
तो हमको बहुत कमी होगा जो हमको बाहर मिल पाएगा, बट फिर भी बहुत अच्छा था। ठीक है, आप आओ अपना यहाँ स्वागत रेस्टोरेंट के नाम से, गूगल मैप भी सर्च कर लेना, उसके थ्रू आ जाना, मतलब आपको अपना इंडियन टेस्ट मिलेगा। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर की तरफ। तो इस रास्ते में जाते हुए ना यहाँ पुल एंड बियर का शोरूम आया, हम उसमें घुस चुके हैं। एक तो लिए हमने ये स्वेट शर्ट हुडी, और अभी एक भाई मतलब चेक करने जा रहे हैं शर्ट, तो वो भी अंदर गए हुए शोरूम में, मतलब अंदर फिटिंग रूम में। ठीक है, बाकी भाई सब बुला रहे हैं तो देखते हैं वो कैसी लग रही है कैसी नहीं। तो भाई अभी हमने यहाँ से लिया है एक अपना ये स्वेटशर्ट और ये अपना कमीज। ठीक है, मतलब मेरी नहीं है, भाई की है, मैं तो अभी आया था इंडिया, मेरे पास तो बहुत बढ़िया है। बाकी कुछ मैंने मंगवा भी रखे हैं घर से, तो देखते हैं वो कब आएंगे, क्योंकि मैंने मंगवानी अपनी फिटिंग में प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग नहीं मिलती, इंडिया से मिलती है प्रॉपर फिटिंग पैंट की। तो बाकी जो पैंट की बात करें तो यहाँ पे जो पैंट का जो कपड़ा है मतलब मुझे सही नहीं लगा, तो बाकी जहाँ पे जो रहते हैं वो भी कहते हैं, तो इसलिए मैंने मंगवाया अपने इंडिया से ही। तो भी हम यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको अपना घर पहुँचने के बाद। तो फाइनली घर पहुँचने के बाद अब खाना खुना खाने के बाद अब मैं आ चुका अपना बेड पे, और भाई साहब दोनों चल जा चुके हैं अपने कमरे में। तो अब मैं भी करता हूँ वीडियो एडिटिंग और फिर करते हैं रेस्ट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर।